हाय एंड वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थ जैसा दिखने वाला एक अलग सा प्लैनेट आके नासा ने खोज लिया है, और यहाँ पे माना जाता है कि TESS करके एक सैटेलाइट है जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है स्पेस में। जो कोई भी अर्थ जैसा कोई भी प्लैनेट मिलेगा तो इसे डिस्कवर करने के लिए, तो इसका फुल फॉर्म है कि ट्रांजिशन सैटेलाइट फॉर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन के लिए है ये। आप चाहो तो इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। और माना ये गया है कि यहाँ पे अर्थ जैसा एक सेम टू सेम साइज का एक ये मिला है प्लैनेट, जो कि जिसका नाम पड़ा है TOI 700D। मतलब ये आके प्लैनेट का नाम है, लेकिन इस प्लैनेट में ये माना गया है कि इसमें पानी जैसा है कुछ, और ये आके वेपराइजेशन भी हो रहा है उधर। और माना ये गया है कि गाइस ये जो प्लैनेट है कुछ 100 लाइट ईयर्स अवे है हमारे अर्थ से। अगर आप आके 1 लाइट ईयर्स अवे कैलकुलेट करते हो तो 1000 साल लगेगा, मतलब 1000 साल ऐसा कुछ आपको टाइम लगेगा 1 लाइट ईयर्स को पार करने के लिए। 100 लाइट ईयर्स अवे ये प्लैनेट है, और इसके अंदर कहा जा रहा है कि यहाँ पे मतलब आबादी है, मतलब यहाँ पे सिविलाइजेशन हो रहा है। सिविलाइजेशन नहीं, हैबिटेंट है, मतलब इंसानों जैसे लोग भी वहाँ पे रह सकते हैं। यह आके श्योर नहीं किया गया है, लेकिन नासा की तरफ से कंफर्मेशन आया था मंडे को। और आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप इनके वेबसाइट में जा सकते हो, या फिर इनके ट्विटर हैंडल में आपको हम पे मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको पता होगा कि कैसा आके एक अर्थ जैसा प्लैनेट डिस्कवर हो चुका है नासा द्वारा। और नासा ने पहले भी कई सारे ऐसे न्यूज़ निकाले थे जहाँ पे ये कहा गया था कि सेम अर्थ जैसा एक एटमॉस्फियर आपको देखने को मिलता है अलग अलग प्लैनेट में, लेकिन ये जो TOI 700D जो प्लैनेट है वो नया खोजा गया है मंडे को, और ये आके रिलीज़ किया गया है नासा के द्वारा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए इसी तरह के टेक रिलेटेड न्यूज़ लेके आते रहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।